अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टू बी दयान। इस YouTube चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मजे मजे की रेसिपीज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे कैरियन चिकन विद राइस। कैरियन चिकन आप अंदाजा कर सकते हैं कि अरेबियन जो है वो मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत हेल्दी खाना जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए शुरू से आखिर तक, हम आपको आज इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए अज़ा नोट फरमा लें। सबसे पहले चिकन लेंगे हम आधा किलो, राइस हमने ली है 300 ग्राम, ये तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको भिगो दें। घी चाहिए हमें 1 प्याली, प्याज चाहिए हमें 2 अदद कटे हुए, सिरका चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च चाहिए 3 से 4 अदद, नमक चाहिए हसबे जायका, और हमें छोटी इलायची चाहिए जिसे सब्ज इलायची भी कहते हैं, तकरीबन 3 से 4, इसको कूट कर आपने बाद में इस्तेमाल करना है। दही चाहिए हमें 1/2 प्याली, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच, बादाम इसमें हमें चाहिए छिले हुए तकरीबन 10 से 12 पीस। बादाम छीलने का सबसे आसान और जल्दी तरीका ये है कि आप इसको बॉईल कर लें, 2 से 3 मिनट इसको बॉईल करें, इसके छिलके ऊपर से आसानी से उतर जाएंगे। 20 से 25 दाने हमें चाहिए किशमिश के, और चाहिए हमें धनिया ऊपर से गार्निश के लिए। तो अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले पैन को ऑन करते हैं। इसमें हम घी शामिल कर देंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याजों को हमने लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। नाज़रीन देखें आप के लाइट ब्राउन जो है प्याज हमारे हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। एक अलग बर्तन में इसको निकाल लें। ये हमने प्याज जो है ना वो ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब उसी घी में हम शामिल करेंगे चिकन। इसको भी ब्राउन होने तक और इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक हम इसको हिलाएंगे इसमें और पकाएंगे। दोस्त का पानी खुश्क होना बहुत जरूरी है। चिकन को आराम आराम से आप हिलाते रहें, ज्यादा जोर से तो हिलाएंगे तो इसके टूट जाने का अच्छा हमेशा रहता है, तो फिर आपके खाने की लुक अच्छी नहीं आएगी। ये तो हमने गोश्त को भून लिया है अच्छे तरीके से, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका लाइट ब्राउन जो है ना वो कलर भी आ गया है। इसको लाजमी तौर पर आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका पानी खुश्क होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका, हसबे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। मिक्स करते जाएं साथ साथ,
जिसमें हरी मिर्च 3 से 4 बार कटी हुई, अब इसमें हम इलायची शामिल करेंगे। चाहे तो इसको पाउडर बना लें आप, चाहे तो इसको हाथ की मदद से तोड़कर इसमें डाल दें 4 अदद छोटी इलायची। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो मसाला ये तकरीबन सारा यकजान हो चुका है, तो अब इसमें हम 10 से 12 अदद बादाम जो है वो शामिल करेंगे, और साथ में हम शामिल करेंगे किशमिश। अब इसको फिर अच्छी तरह से हिला देंगे, इसको 1 मिनट हम या 2 मिनट या 1 मिनट आप इसको दम पे रखें। तो नाज़रीन 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें अब हम 4 प्याजी के करीब पानी शामिल करेंगे। तेज कर देंगे, एक जगह पे इसको मसाले को आप मिक्स कर दें। तो पानी में उबाल आ गया है, इसमें अब हम 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और अब इसमें हम राइस भी शामिल करेंगे। जिसमें चावल जो है वो पकना शुरू हो गए हैं, इसका पानी खुश्क होने तक अब इसको हम पकाएंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे। दोबारा से पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, इस स्टेज पर आप इसका नमक जो है ना वो चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी रह जाए तो आप और नमक शामिल कर सकते हैं, पहले से ज्यादा नमक शामिल ना करें इसमें। ये पानी सब खुश्क हो चुका है, अब इसमें हम लास्ट में प्याज शामिल करेंगे, और इसको धनिए से ऊपर से थोड़ा सा डाल कर इसको हम दम पे लगा देंगे। जैसे ही भाप ऊपर आ जाएगी मजेदार चावल तैयार हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, चावल हमारे दम पर आ चुके हैं, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, गार्निश हमने कर दी हैं, इसको आप कचूमर सलाद
और पुदीने और धनिया की चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।